उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने यूपी के बाहुबली नेता अकबर अहमद डंपी पर मुकदमा दर्ज किया है और उस पे बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शमजी। उनसे ज़्यादा जानकारी लेते हैं। सर, यूपी के बाहुबली नेता हैं, पूर्व एमपी हैं अकबर अहमद डंपी, उन पे मुकदमा दर्ज कराया है आपने, क्या मामला है ये? हो बाहुबली नेता, हम उत्तराखंडी हैं, हम किसी के बाप से डरने वाले नहीं और इन बाहुबलियों से तो बिल्कुल भी नहीं। और राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत ये पुष्कर सिंह धामी जी की 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार है, जहां भ्रष्टाचारियों के लिए कोई जगह नहीं है, वो कितना बड़ा बाहुबली हो। और इसलिए धामी सरकार ने मजबूत निर्णय लेते हुए एक दर्जन से अधिक धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा किया है, जिसमें 420 धारा भी शामिल है। ये किसी के बाप की संपत्ति है क्या? यतीमों का, मिस्कीनों का, गरीबों का, बेवाओं का हक है, मार के बैठ गए आप। 28 एकड़ से अधिक संपत्ति, 150 बीघा से ज्यादा की प्रॉपर्टी जिसकी कीमत 100 करोड़ से ऊपर की है, ये गरीबों का हक मार के खाओगे? ये राजनीति कर रहे थे कांग्रेस के नेता, ये है आपका चरित्र? और उसके बावजूद मैं तो ये कह रहा हूं कि हम लोगों ने बहुत ईमानदारी के साथ काम किया है और किसी कीमत पर न डरेंगे, न दबेंगे, न डिगेंगे, अपने कर्तव्य पे ईमानदारी से चलते रहेंगे। जो होगा, हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, हमारा यकीन है जो ऊपर वाले ने लिख दिया होगा, जब मौत आनी होगी आएगी। इनसे दबने वाले या डरने वाले हम नहीं है, मुकदमे कायम हो चुके हैं, पुलिस ईमानदारी से अपना काम करेगी और ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे डालने का काम करेगी। हमने इन संपत्तियों को, जो वक्त की संपत्तियां हैं, इन संपत्तियों को डेवलप करेंगे, उत्तराखंड के लोगों के काम आएगी। इस पर अच्छे हॉस्पिटल बने, अच्छे स्कूल्स बने, जो गरीब लोग हैं उनके लिए कुछ बेहतर हम कर सके, उस दिशा में वक्फ बोर्ड उत्तराखंड आगे बढ़ेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है, मेरे युवा मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है, सही को छेड़ेंगे नहीं और गलत को छोड़ेंगे नहीं। आपने कुछ समय पहले बुलडोजर लेने की बात करी थी, आपने कहा था कि मैं बुलडोजर चलाऊंगा अवैध संपत्तियों पे, तो बुलडोजर चलाने के साथ साथ क्या और भी इसमें कार्रवाई, जैसे गौरक्षा को लेकर गैंगस्टर एक्ट लाया जा रहा है, क्या आप भी इस बारे में सोच रहे हैं? देखिए, हम ये कह रहे हैं कि हम बिल्कुल स्पष्ट हैं, वक्फ की संपत्तियां लावारिस संपत्तियां नहीं है। उन संपत्तियों को प्रदेश के हित में, देश के हित में हम किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, समाज को उसका बेनिफिट कैसे मिल सकता है, सर समाज को, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। और हमारा मत यह है कि ये निजी प्रॉपर्टी, अगर शादाब शम्स का सगा भाई भी वक्फ की संपत्तियों पे कब्जा करके बैठा होगा, हम उसे भी नहीं छोड़ेंगे, उसे भी जेल डालेंगे, किसी कीमत पे नहीं। एक बेईमानी और ईमानदारी दो पैमाने हैं, आपको ईमानदारी के साथ जाना है या बेईमानी के साथ जाना है। हमने राजनीति में मन बनाया है और उत्तराखंड के अंदर 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार चल रही है, केंद्र में मोदी जी और उत्तराखंड में धामी जी की सरकार ईमानदारी से काम कर रही है भ्रष्टाचारियों के लिए, और भ्रष्टाचार के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, आपके बहुत बड़ा चैनल आपका है, इसके माध्यम से मैं अनुरोध करूंगा संपत्तियों को खाली कर दें, नहीं तो आपका अंजाम भी वही होगा। इस कार्रवाई के बारे में बताइए, क्या मामला है नैनीताल का? में बताया जा रहा है कि जमीन कब्जाने को लेकर आपने मुकदमा दर्ज किया है, क्या गैंगस्टर एक्ट भी लगा रहे हैं, जिस तरह की खबरें सामने आ रही है? गैंग है पूरा भाई, माफिया है ये लोग, वक्फ माफिया है, भू माफिया है, और एक जगह नहीं, सैकड़ों जगह माफियाओं के कब्जे हैं। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत थी, जो धामी सरकार ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब धामी सरकार का एक्शन, वक्फ बोर्ड का एक्शन आपको दिखाई देगा बहुत जल्द, जितने माफिया हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती हुई आपको नजर आएगी। यहाँ किसी कीमत पर भी इन माफियाओं के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। गैंगस्टर एक्ट में भी इन माफियाओं पे कार्रवाई होगी, जिस तरह आप बोल रहे हैं? बिल्कुल होगी, गैंगस्टर एक्ट सामने है, लोगों को दिख रहा है कि ये पूरा गैंग बन के घूम रहा है। और ये मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इन 22 साल के उत्तराखंड में 20 साल वक्फ बोर्ड कांग्रेस के पास था, हमारे पास तो अब आया है 4 महीने पहले, पूछिए उससे पहले किसकी सरकारें थी उत्तराखंड बनने से पहले। तो ये माफिया आज तक सुरक्षित महसूस कर रहे थे, फार्म हाउस बना रहे हैं, कोई अपना, कोई अपनी प्रॉपर्टी को अपना समझ रहा है, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही थी। लोगों को लग रहा था कि वक्फ बोर्ड लावारिस संपत्ति है, कोई कहने सुनने वाला नहीं है, अब कार्रवाई हो रही है, क्योंकि धाकड़ धामी युवा मुख्यमंत्री ताकत के साथ वक्फ बोर्ड के पीछे खड़े हैं और कह रहे हैं एक भी माफिया को छोड़ना नहीं। उत्तराखंड में भी लैंड जिहाद को लेकर, वक्फ बोर्ड को लेकर काफ़ी तनातनी मची रहती है, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी चीज़ें सामने आती हैं जिसको लेकर गतिरोध और लोग आक्रोशित भी हो जाते हैं। इन चीज़ों को रोकने के लिए वक्फ बोर्ड क्या समाधान निकाल रही है? देखिए, वक्फ बोर्ड के दो चेहरे हैं, एक चेहरा वो है जो वक्फ बोर्ड एक्ट के हिसाब से ही काम करता है और वो लोगों के सेंटिमेंट्स को नहीं समझता। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर पे एक निर्णय दिया था,
उस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपसी सौहार्द बनाने के लिए अगर कहीं कॉम्प्रोमाइज करने की आवश्यकता पड़े तो आप करें। अगर आपको लगता है कि कहीं दो समुदाय के बीच में प्यार मोहब्बत से कोई मामले हल हो सकते हैं तो आपको पहल करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि पुरानी बातों को छोड़ते हुए अब देश को आगे बढ़ना चाहिए, इन झगड़ों से बाहर आना चाहिए। वक्त की संपत्तियां सुरक्षित रहे, जहां सही काम हो रहा है वहां आपस में बैठ के समन्वय स्थापित करके उनका सोल्यूशन निकाला जाए। और हम ये कहते हैं, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। एक मामला अभी हम बातचीत कर रहे थे तो आपने बताया था, इससे पहले मदरसों को लेकर भी आप मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं कि वहां पे ड्रेसेस चेंज होंगी, एनसीईआरटी किताबें आएंगी, मदरसे जो है मॉडर्नाइज होंगे, बेटर एजुकेशन की आप बात करते हैं। तो जो आपने आपसी सौहार्द की बात करी है, क्या उत्तराखंड में भी कोई ऐसा एग्जाम्पल वक्फ बोर्ड सेट किया है जिससे कि आगे दूसरे राज्यों को भी एग्जाम्पल मिल सके? नहीं, हम तो कह रहे हैं ना कि हमने मदरसा बोर्ड की बात हमने की, हम मदरसा बोर्ड बता रहे हैं मदरसों को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। कि मेरा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बन के एपीजे अब्दुल कलाम साहब के रास्ते पे क्यों देश की सेवा नहीं कर सकता? मैं हाफिज कुरान, आप बनिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप डॉक्टर इंजीनियर फिलोसोफर बनेंगे, राष्ट्रवादी विचारधारा का ध्वजवाहक बनेंगे, तो लोग लगता है कि लोगों को लगेगा कि बड़ा बदलाव है। और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे 103 मदरसे, उसमें हमने काम करने की बात की। हमारे यहाँ जहाँ जहाँ डिस्प्यूट हैं, उन डिस्प्यूटों को भी हम कह रहे हैं कि आपस में लोग बैठ रहे हैं और बैठ के हम प्यार और मोहब्बत से अपने डिस्प्यूट्स को दूर करेंगे। कहीं से कहीं तक देवभूमि उत्तराखंड में नफरत फैलाने वालों के लिए, नफरत करने वालों के लिए जगह नहीं। तो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, आपसी सौहार्द के लिए वक्फ बोर्ड जो काम कर रहा है वो दूसरे राज्यों के लिए नजीर पेश करेगा। बिल्कुल, हम ये कह रहे हैं जो हम कर रहे हैं काम में दम वही है कि लोग धामी सरकार को कॉपी करें, उन्हें लगे कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अच्छा काम कर रहा है और ये नजीर बने और उत्तर प्रदेश और बाकी प्रदेश भी उस दिशा में आगे बढ़े। देहरादून में जो कांगली क्षेत्र में जो कब्रिस्तान पे मंदिर और कब्रिस्तान के बीच में जो विवाद है उसको वक्फ बोर्ड कैसे सुलझाएगा? देखिए, कांगली क्षेत्र में कब्रिस्तान है, एक मंदिर भी वहां माड़ी बनी है और आपसी दोनों समुदाय आमने सामने आ गए थे। 20 साल पुराना मुकदमा था, दोनों समाज आपस में बैठ के सुलहनामा चाहते हैं, वक्फ बोर्ड भी उनके साथ है और उसी के लिए सत्य क्या है, लोग क्या चाहते हैं, उस वो जानने के लिए मैं भी गांव में गया था, मस्जिद में बैठ के सब लोगों से वार्ता हुई, सबने एक स्वर में ये कहा है कि हम आपस में कॉम्प्रोमाइज चाहते हैं। मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी कोशिश दोनों समाज के बीच में हो रही है कि हम आपसी सौहार्द के साथ चीज़ों को पास लाने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों समाजों को जोड़ने का काम देवभूमि में किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि ये देश के लिए एक बड़ी नज़ीर बन सकती है कि अब झगड़े करने के लिए, आपस में लड़ने के लिए लोगों के पास वक्त नहीं है। अब तो हम सब लोगों को देश के वैभव को बढ़ाने के लिए, देश के गौरव को बढ़ाने के लिए एक साथ होकर देश का झंडा आगे करके आगे बढ़ना है। और मुझे लगता है कि ये धामी सरकार की बहुत ईमानदार कोशिश है कि दो समाज जब आपस में बैठ के कॉम्प्रोमाइज वाली लाइन पे आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का जो विवाद चल रहा था उस वक्त, कि दोनों समाजों को ऐसी परिस्थितियों में आपस में बैठ के कॉम्प्रोमाइज करने चाहिए। और अगर इस तरह के कॉम्प्रोमाइज शुरू हो गए तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में देश के अंदर कोई भी सांप्रदायिक विषय ऐसा नहीं बचेगा जिसपे आपसी सौहार्द खराब। कैसे होगा कॉम्प्रोमाइज, क्या फॉर्मूला निकाला है वक्फ बोर्ड ने? मैंने कहा कि जब आप बैठेंगे और लोग साथ होंगे, आवाम साथ आएगी, आवाम जागरूक होगी, तो फिर मुझे लगता है कि कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और हमने तो कह दिया, हमें आउट ऑफ द वे जाके भी अगर काम करना पड़ेगा तो हम उस काम को करेंगे जहां आपसी सौहार्द कायम हो सके, जहां प्यार और मोहब्बत आपस में पैदा हो सके, उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि दोनों समाज जिस तेजी के साथ साथ आ रहे हैं, ये देवभूमि उत्तराखंड में मुमकिन था। और यहां से जब जब हिमालय से कोई बात निकली है तो वो कन्याकुमारी तक पहुंची है, देश के अलग अलग कोने तक पहुंची है। ये मोदी जी का और धामी जी का जलवा है जो मुझे लग रहा है कि जो बयार बह रही है, और उसमें मुझे लगता है आने वाले वक्त में इस प्रदेश के अंदर आपको आपसी प्यार और मोहब्बत देश के अंदर ये देखने के लिए मिलेगा। जो जमीन है ये कब्रिस्तान की जमीन पे मंदिर बनाया या मंदिर की जमीन पे कब्रिस्तान, ये दोनों बातें हैं। दोनों पक्ष ये कह रहे हैं कि ये मेरी जमीन है, वो अपनी होने का दावा करते हैं, हम अपनी होने का दावा करते हैं, लेकिन हम अपनी अपनी के चक्कर में आखिर कब तक एक दूसरे से लड़ते रहेंगे? हमें आपस में समन्वय स्थापित करना है। और मुझे लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गुंजाइश है, आप बैठ के सॉर्ट आउट कर सकते हैं, जिसमें आम राय बन सकती हो, उस चीज को बैठ के हमें सॉर्ट आउट करना चाहिए, ये मेरा भी मत। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स जी, जिन्होंने बताया कि वक्फ बोर्ड की जितनी भी संपत्तियां हैं जिन पे अवैध कब्जा हुआ है, धामी सरकार जो है कड़ी कार्रवाई उन पे करेगी और अकबर अहमद डंपी जिनके ऊपर अभी मामला दर्ज हुआ है उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट भी लगाई जा सकती है।
कैमरामैन अल बड़ूनी के साथ अंकित शर्मा, देहरादून आज तक।